चलिए फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इससे पहले आपने देखा जो मैं पांडव नृत्य के समापन दिवस की वीडियो लेके आई थी, उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। और आपने देखा कि कितने मशक्कत के बाद उस पेड़ को खड़ा करना पड़ा और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसमें जितने भी कार्यक्रम हुए, आज जो उसका अंत का कार्यक्रम था पेड़ को खड़ा करने के बाद, और उसे गढ़वाली भाषा में मोरू का पेड़ कहते हैं, मतलब गढ़वाली में ही नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पांडव नृत्य होते हैं उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब समापन दिवस होता है और उस पेड़ को खड़ा किया जाता है उसे मोरू का पेड़ कहते हैं। और आज उसके समापन दिवस के जो पार्ट टू है, आज मैं वो पार्ट टू लेके आई हूँ आपके सामने। देखा कि एक व्यक्ति पेड़ में जा रहे हैं और कुछ फल निकाल कर लोगों को बांट रहे हैं। तो जो पेड़ जब जमीन पे था और जब जंगल से उसको लाए थे तो पहले उस पेड़ की पूजा की गई और उस पेड़ पर कुछ फल लगाए गए, यानी सेब, केला, नारंगी और इस तरह के सारे फल उस पेड़ पे लगाए गए, उसके बाद उसको खड़ा किया गया। तो ये जो व्यक्ति उस पेड़ में जा रहे हैं वो भगवान नारायण के पशु हैं, मतलब वो व्यक्ति जो भगवान नारायण की भूमिका इस समय निभा रहे हैं और वो पेड़ में जाके सभी लोगों को फल दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा होगा कि ये कौन है, और इसे पिछले वाली वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे थे। तो वो भगवान नारायण है और पेड़ में जाके सभी व्यक्तियों को फल प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। आजकल उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे कि हर 10 किलोमीटर के दायरे पर अगर आप जाते हैं तो आपको पांडव नृत्य का आयोजन देखने को मिलता है। तो पूरे उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग एक ऐसी घाटी है, रुद्रप्रयाग की केदार घाटी एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे महत्वपूर्ण रूप में और सबसे ज्यादा फेमस है पांडव नृत्य कराने के लिए। ऐसा इसलिए कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पे जा रहे थे तो उन्होंने केदार घाटी के लोगों को ही अपने अस्त्र और शस्त्र, यानी अपने हथियार दिए थे संभालने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो इसीलिए केदार घाटी के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं पांडवों को और उनके नृत्यों का आयोजन करते हैं। नृत्य में पांडवों की जीवन शैली, उनका खान पान, उनके युद्ध, उनकी कृषि, वो उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया, उनके किससे कैसे संबंध थे, वो नाटकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। कार्यक्रम के बीच आप जिन चीजों की आवाज सुन रहे हैं वो हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जिनमें भंकुरों और ढोल दमाऊं होता है। इनमें इस तरह की अलौकिक शक्तियां निहित होती हैं कि ये एक विशेष तरह की धुन बजाते हैं, और पांडव नृत्य में पांडवों की भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर पांडव देवता अवतरित हो जाते हैं। हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों यानी फिर ढोल दमों और भंकुरा बजाते हैं उन्हें दास या फिर औजी कहते हैं, और जो व्यक्ति पांडवों का रोल निभा रहे होते हैं उन्हें पांडवों के पशुआ कहा जाता है।
हमारा गांव रतुड़ा जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है या फिर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या आप देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में है। ये हमारे गांव के लोग और हमारे गांव के आसपास के जो गांव हैं या फिर क्षेत्र हैं वहाँ के लोग हैं। फिर अंत में उस पेड़ को जो हमने वहाँ पे खड़ा किया था पंडव के चौक में, मतलब वो जगह जहाँ पे पांडव नृत्य का आयोजन होता है, उस जगह पे वो पेड़ खड़ा किया। लेकिन अब उसको गिराने में और ज्यादा समस्या आने लग गई उतनी जितनी उसे खड़ा करने में हुई थी। ये नोकले नहीं जल्दी शुरू मत कर दो I'm gonna go to the hospital.
भाई ग्रैंड, मैं तो ग्रैंड की फोटो लग रही। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये अब सीधा जपी। तो फिर आपने देखा कितनी कड़ी मशक्कत के बाद वो पेड़ नीचे गिरा और कार्यक्रम का समापन हुआ। सबको खुशी हुई कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। तो ये समस्याएं इसलिए आई क्योंकि आजकल कदम कदम पे बहुत चिपके हुए लोगों के घर हैं, किसी के छत में डिस्क है, आसपास इतने सारे तार हैं, उन पर वो उस पेड़ न लग जाए, इस वजह से इतनी दिक्कतें आई। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृतियों का हनन करते जा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं सारी समस्याओं की वजह से कभी कभी ये कार्यक्रम रुक जाते हैं कि पांडव नृत्य नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर ये तार है, यहाँ पर डिस्क है, यहाँ पर ये है, तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृतियों को ख़त्म करते हुए विकास चले जा रहा है। तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या है, हम सभी इस बारे में जानते हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।